हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रस प्राइम वीकली न्यूज एनालिसिस बाय एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की पहली टॉपिक है नेशनल मिल्क डे रिसेंटली डॉक्टर वर्गिस कुरियन के हंड्रे फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एंड इट्स बेनिफिट्स एज मैंशन अर्लियर ट्वेंटी सिक्स नवंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन एंड ही वॉज द फादर ऑफ वाइट रेवल्यूशन हमें पता है कि ऑपरेशन फ्लड नाइनटीन सेवेंटीज में लॉन्च किया गया इट वॉज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का उस समय इंडिया एक मिल्क डेफिशेंट कंट्री थी और ऑपरेशन फ्लड ने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट की वजह से तीस साल के अंदर इंडिया में जो मिल्क अवेलेबिलिटी है पर per पर्सन ये डबल हो गई ऑपरेशन फ्लड की वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा सेल्फ सस्टेनेबल बनने लगे स्पेशली द मास बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली द मास प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बट मास प्रोडक्शन बाय द मासेस बाय द पीपल ऑफ इंडिया फार्मर्स जो है वो सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल बनने लगे दे कोड जनरेट देयर ओन इनकम एंड दे डायरेक्ट देयर ओन डेवलपमेंट तो इसी रेवल्यूशन को कहा गया वाइट रेवोल्यूशन अमूल के फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन उसके चेयरमैन भी थे लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डॉक्टर वर्गेस कुरियन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया डॉ कुरियन ने ही इस प्रोग्राम को एक दिशा दी ऑपरेशन फ्लड को और इसीलिए ही इज रिक्ज एज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट 1950s 60s की अगर हम बात करें तो इंडिया में उस समय मिल्क शॉर्टेज था इंडिया डिपेंडेंट था इम्पोर्ट्स के ऊपर कैटल पॉपुलेशन इंडिया की जो थी वो वर्ल्ड वो की बिगेस्ट थी इसके बावजूद मिल्क जनरेशन जो था वो बहुत ही कम था 21 वन मेट्रिक टन ओनली एनुअली 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया टू असिस्ट ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम ताकि इस प्रोग्राम को स्टेजेस में एग्जीक्यूट किया जा सके इंडिया में पूरे देश में आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश किए जाने लगे डॉ कुरियन ने इस प्रोजेक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश करवाना शुरू किया आनंद पैटर्न ऑफ को ऑपरेटिव जो लिक्विड मिल्क प्रोड्यूस होता था उन्हें ये मिल्क कोऑपरेटिव्स खरीद लेती थी और उसके बाद डिफरेंट सिटीज में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था ऑपरेशन फ्लड के तीन फेजेस थे फर्स्ट फेज 1970 से 1980। इस फेज में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा यूरोपियन यूनियन बटर ऑयल और स्किम मिल्क पाउडर जो सेल करती थी इसी के पैसे से फंड किया गया ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट को सो दिस हेल्प्ड जनरेटिंग फंड फॉर एग्जीक्यूटिंग देशन फ्लड प्रोजेक्ट सेकेंड फेज नाइनटीन एटी वन टू नाइनटीन एटी फाइव इस फेज में जो मिल्क शेड है उनके नंबर को बढ़ाया गया फ्रॉम एटीन टू वन थर्टी सिक्स मिल्क की जो अर्बन मार्केट है उसे भी एक्सपैंड किया गया बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मिल्क आउटलेट्स नाइनटीन एटी फाइव तक आते आते एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन गया जिसमें फोर्टी थ्री थाउजेंड से भी ज्यादा विलेज कोऑपरेटिव्स थे और 42 लाख से भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं वो शामिल हो गए इस पूरे रेवोल्यूशन में फाइनल फेज थर्ड फेज 1985 एटी टू 1996 इसमें डेयरी कोऑपरेटिव जो हैं उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया एंड दे स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि मिल्क प्रोक्योरमेंट हो या मार्केट कनेक्शन जो हो वो और भी स्ट्रेंथन हो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इंक्रीज हो दिस फेज एडेड 30, new uh, dairy cooperatives cooperatives and uh, the total number of cooperatives now was 73, so this was the third phase. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई इन नाइनटीन फिफ्टी वन इट वॉज ओनली सेवनटीन मिलियन टनस एंड दो हजार इक्कीस तक आते आते वो टू हंड्रेड एंड टेन मिलियन टन्स हो गया नाउ टॉकिंग अबाउट the Dairy industry in India we know that India is the largest producer of milk in the world. It accounts for around twenty three percent of global milk production. Dairy industry it contributes five percent to the national economy or art crude farmers ko it supports directly. Uttar Pradesh, India ka largest milk producer hai. Uh, and if we talk about the major production areas of these डेयरी प्रोडक्ट्स तो वो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तमिलनाडु इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के बावजूद कई सारी चैलेंजेस हैं इन द डेयरी सेक्टर फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर जेनेटिक्स मतलब जो ब्रीड्स ऑफ काउज जो हैं उनकी जो ईल्ड है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू काउज फ्रॉम अदर डेवलप्ड कंट्रीज एनिमल फीड और फॉर्डर जो प्रोवाइड की जाती है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है इसमें भी कई सारी चैलेंजेस हैं एनिमल हेल्थ हमें पता है कई सारी डिजीजेस हैं फॉर एग्जांपल फुट एंड माउथ डिजीज विच इज अ चैलेंज फॉर दिस इंडस्ट्री देन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतनी चिलिंग प्लांट्स नहीं हैं बल्क कूलर्स नहीं हैं तो इससे कंटेमिनेशन हो जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पॉयल भी हो जाती हैं तो इसके लिए हमें एक बहुत ही रोबस्ट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है पावर अवेलेबिलिटी कहीं पे चिलिंग प्लांट्स हैं भी तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ऑप्टिमली रन नहीं कर पाते और इससे मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है उसे सेल किया जाता है प्रोडक्शन भी ऑप्टिमम नहीं है अगर इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क की रिपोर्ट की हम बात करें तो इंडिया प्रोड्यूस करता है 137.5 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क विथ ओवर 300 मिलियन ऑफ कैटल पॉपुलेशन तो ये कॉमेंस्यूरेट नहीं है 300 मिलियन कैटल्स हैं लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 137.5 मिलियन टन्स हैं लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस प्रोड्यूस करता है 84.3 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क लेकिन उसके पास इतने काउस भी नहीं है 300 मिलियन तो है ही नहीं 100 मिलियन काउस होंगे उसी से वो 84.3 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर देता है यानी ईल्ड ज्यादा है तो दिस शोज कि इंडिया की जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्किल्स हैं वो इट्स लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है वो भी ठीक नहीं है एंड दैट इज वाई ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आते एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो थ्री लीटर्स पर एनिमल से भी कम है इन कंपेरिजन टू काउस इन डेवलप्ड नेशंस जहां पर ये हम बात करें तो थर्टी लीटर्स पर एनिमल पर डे है विच इज टेन टाइम्स मोर देन वट इट इज इन इंडिया पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं बिकॉज एग्रीकल्चर जो है इट्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है तो पूरी डेयरी एक्टिविटीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का आ जाता है एज ए रिजल्ट बजटरी एलोकेशन में uh, कभी कभी बहुत ज्यादा क्रंच देखने को मिलता है इट्स बायसड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के ऊपर जो फोकस है वो कंपेरेटिवली कम दिया जाता है इसके अलावा कई सारी मैल प्रैक्टिस भी हैं डिमांड बहुत ज्यादा है डेयरी प्रोडक्ट्स का तो फोर्सफुली कार्वस को वीन किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दे आर टॉर्चर्ड एंड दे डू नॉट हैव ऑप्टिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स आप फूड की बात करें शेल्टर की बात करें तो इसके अलावा दे आर ऑल्सो पम्प्ड विथ हॉर्मस अनसाइंटिफिक मैनर में ताकि प्रोडक्शन बढ़े जो डिजीज डेयरी एनिमल्स हैं दे आर मेडिकेटेड ऑन विदाउट प्रॉपर वेटरनरी असिस्टेंस क्योंकि इसके लिए पैसे खर्च होंगे तो डिजीज जब हो जाते हैं एनिमल्स उन्हें माइंडलेसली मेडिसिन देकर उनको रिकवर करने की कोशिश की जाती है प्रॉपर वेटरनरी जो केयर है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता थिंकिंग अबाउट द बिजनेस कॉस्ट वाटर स्कैसिटी फीड एंड फॉर्डर यह सब तो इश्यूज है ही एस डिसकस्ड बिफोर इंडिया में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है डेयरी सेक्टर तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज ये भी एक ऑब्स्टिकल है इन सब चीजों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स ली हैं फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस मिशन का एम है मिल्क आउटपुट को एनहैंस करना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इसके लिए साइंटिफिक इंटरवेंशन फॉर एग्जाम्पल कैटल पॉपुलेशन को जेनेटिकली इम्प्रूव करना इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स जो हैं जो इंडिया के ही हैं उन्हें कंजर्व करना कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज करना फॉर एग्जाम्पल आईवीएफ टेक्निक्स एटसेट्रा ताकि ब्रीड्स जो हैं वो इम्प्रूव हो और एज ए रिजल्ट जो है वो भी बढ़े दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2014 में इसे स्टार्ट किया गया एंड इट एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रेंथन इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क इसमें ताकि प्रोक्यूमेंट अच्छे से हो प्रोसेसिंग अच्छे से हो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो प्रॉपरली श्रो द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या स्टेट की जो भी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है इसको एनहेंस करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया अगली है डेयरी ऑन्टरप्रिनरशिप डेवलपमेंट स्कीम इसे इम्प्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज इसका एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना इन द डेयरी इंडस्ट्री इस प्रोग्राम के अंदर बैंक लोन्स कैपिटल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है ताकि मिल्क प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट प्रजर्वेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इंसेंटिव मिले और जो इंटायर प्रोसेस है वो और भी डेवलप हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो इस प्रोग्राम को चला रही है अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इट हैज विटनेस्ड अ दडडी राइज ओवर द लास्ट थ्री ईयर्स दो हजार इक्कीस बाईस में भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ एंड द की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आर बांग्लादेश यूए बहरीन मलेशिया सऊदी अरेबिया एंड कतर डेयरी सेक्टर में और भी बूस्ट है इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दी जाती है डेयरी फार्मर्स को एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकि उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसे भी लॉन्च किया गया टू इराडिकेट द डिजीज इसमें फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव्स प्रोवाइड की जाती है एक और है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेरी डेवलपमेंट इस स्कीम के अंदर मिल्क स्टोरेज फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की जाती है कूलर्स हो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हो मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो इन सब को स्टैब्लिश करने के लिए सपोर्ट दी जाती है टू दी डेयरी फार्मर्स इना नट शैल काफी सारी चैलेंजेस तो हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं डेयरी इंडस्ट्री के इंडिया में इम्पोर्टेंट है जो भी इनिशिएटिव्स ली गई हैं उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन रिसेंटली इंडिया को इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी दी गई है और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया फॉर द टर्म 2023 टू 2025 ट्वेंटी फाइव इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करती है और पब्लिश भी करती है सभी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं इसे कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी आई को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था इन 1906 हंड्रेड इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ आई ई एफर्ट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में यूज की जाती है वो सेफ एफिशिएंट और मोर रिलायबल है एट प्रजेंट कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कहीं पे होते हैं असेंबल कहीं पे होते हैं और सेल कहीं और होते हैं तो ज़रूरत है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी टेक्निकल रूल सप्लाई होती हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर उसमें एक हार्मोनाइजेशन हो उसमें एक सिंक्रनाइजेशन हो ताकि प्रोडक्ट सेफ्टी जो है ये प्रायोरिटी रहे आई के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल कमिटीज आती हैं हर एक नेशनल कमिटी अपनी देश की जो इलेक्ट्रोटेक्निकल इंटरेस्ट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं इसमें मैन्युफैक्चरर्स हो गए प्रोवाइडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज की जो वेंडर्स हैं कंज्यूमर्स यूजर्स सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये कमिटीज इन दी आई फोरम तो इंडिया को जो चेयरमैनशिप मिली है रियली really significant because इट गिव्स इंडिया एन opportunity कि हम अपनी जो strategic एंड पॉलिसी मैटर्स हैं उन्हें सामने रख सके आई सी के फोरम पे और हमें और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हमारी जो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन प्रायोरिटीज है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं गैजेट्स हैं उनकी क्या स्टैंडर्ड्स होंगी वो अलाइन हो जाएगी विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस तो इससे जब अलाइनमेंट हो जाता है हार्मोनाइजेशन हो जाता है तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी उसका डिमांड बढ़ेगा एक्सपोर्ट जो होगा वो बूस्ट होगा और कंज्यूमर को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि सेफ्टी कंसर्नस हो गए उसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई सभी चीज़ें जो है वो और भी अच्छी हो जाती है मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ओल्ड पेंशन स्कीम रिसेंटली आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रिस्टोर किया जाएगा इसी के अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉज ने प्रोटेस्ट किया टू शो दे डिसन विद द नोटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तो ये नहीं चल रहा है 2004 में ही इसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ न्यू पेंशन स्कीम पर समझते हैं बिकॉज न्यूज में था ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉज ये रिटायरमेंट के बाद एक डेफिनेट अमाउंट को श्योर करता था टू द एम्प्लॉ बेंशन अर्लियर इट वॉज प्लेस्ड बाई द्यू पेंशन स्कीम इन टू थाउजेंड फोर इट सेल्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को पॉपुलरली कहा जाता था डिफाइंड बेनीफिट स्कीम और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस, उनके जो सैलरी है बेसिक सैलरी उसकी फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट को सिक्योर किया जाता था फॉर द फ्यूचर मतलब अगर किसी की बेसिक सैलरी टेन थाउजेंड रुपीज है तो रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन उसे गवर्नमेंट फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ देगी एज अ फिक्स्ड अमाउंट लेकिन इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता है हमेशा और इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा था डियरनेस अलाउंस का डीए हमें पता है डीए हाइक जो है गवर्नमेंट हर साल दो बार करती थी सो दिस हाइक इन डी एट ऑलवेज गिव्स वे फॉर अ हायर सैलरी एंड हायर पेंशन इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट की ओल्ड पेंशन स्कीम में जो इंटायर अमाउंट है इट वॉज पेड बाई द गवर्नमेंट पेंशन का क्या बजट होगा इसे हर साल अनाउंस किया जाता था ड्यूरिंग द बजट अनाउंसमेंट और फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पेमेंट ऑफ द दी डी इंक्रीज इन देंशन एज वेल फिर अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों स्टॉप किया गया बिकॉज इट वॉज बिकमिंग अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी बर्डन फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज पेंशन का कोई सोर्स ऑफ डिराइव्ड इनकम तो है नहीं बस जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी पेंशन देनी ही है तो इसके लिए जो अमाउंट है जो फंड है ये एक लाइबिलिटी बनती जा रही थी फॉर द गवर्नमेंट इसीलिए 2003 में बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय अनाउंस किया उन्होंने कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया जाएगा बाय दी न्यू पेंशन स्कीम एंड एनपीएस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2004 न्यू पेंशन स्कीम ये कॉमन स्कीम है फॉर ऑल दी सैलरीड एंड नॉन सैलरीड पर्सन अक्रॉस दी कंट्री तो कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है टू एनपीएस ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है एनपीएस में एम्प्लॉई जो है वो अपनी सैलरी की टेन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स पेंशन uh, और एम्प्लॉयर जो है वो भी इक्वल अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स पेंशन जो मिला के अमाउंट होगा वही पोस्ट रिटायरमेंट सोल्यूशन होगा एक बार ओपीएस की प्रोविजंस को देख लेते हैं इसमें फिक्स्ड मंथली इनकम होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आफ्टर रिटायरमेंट पूरी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ही देती थी एंड इट प्रोवाइडेड 50 परसेंट ऑफ द लास्ट ऑन सैलरी जो लास्ट ऑन सैलरी थी उसकी 50 परसेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी हर मंथ एज अ पेंशन इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं दिया जाता था टू द एम्प्लॉयज और इनकम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो इनकम होता है वो उसमें टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता था सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही एलिजिबल थे टू रिसीव अ पेंशन अंडर दी ओपीएस स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट फिर आया एनपीएस 2004 में ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं था इसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें एम्प्लॉयज जो हैं एज मैंशन अर्लियर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम द सैलरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टेन्योर और इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि इसमें जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर इसे मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में फिर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो अमाउंट जो है वो ऐसे ही पड़ा न रहे वहां से इनकम जनरेट होती रहे तो गवर्नमेंट के पास भी फंड्स जो है वो जनरेट होती रहेगी एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो टैक्स डिडक्टेबल है अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई जो है दे कैन विदड्रॉ अ पार्ट ऑफ देयर पेंशन अमाउंट लमसम जो अमाउंट सिक्सटी परसेंट ऑफ द अमाउंट जो वो विदड्रॉ करते हैं वो टैक्स फ्री रहेगा बाकी का फोर्टी परसेंट टैक्सेबल होता है एनपीएस जो है ये मैंडेटरीली एप्लीकेबल है टू देंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज एक्सेप्ट आर्मड फोर्सेस जो रिक्रूटेड हुए हैं आफ्टर टू थाउजेंड फोर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी न्यू पेंशन स्कीम जो है इसे फॉलो करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉज पहले की प्रोविजन की बात करें तो एनपीएस में एम्प्लॉ को टेन परसेंट ऑफ सैलरी uh, को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था मंथली और मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी 2019 से चेंज कर दिया गया एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इट हैजिन एनहैंस टू 14 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज के लिए पर्टिकुलरली तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट 14% परसेंट जो है कंट्रीब्यूट uh, करती है और एम्प्लॉय जो है वो टेन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूअर्ड्स एनपीएस ऑल सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर एनपीएस एज ब्रैकेट अगर देखे तो एटीन ईयर्स टू सिक्सटी Yes. अगली टॉपिक है सी क्यूकम्बर इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने रिसेंटली 30 थी सी क्यूकम्बर्स को सीज किया सी क्यूकम्बर्स जो है ये प्रोटेक्टेड है अंडर द स्केड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और ये एक बैंड मरीन स्पीशीज है हाईली डिमांड में है चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसे स्मगल किया जाता है तमिलनाडु से श्रीलंका तक एंड इट्स वेरी यूजफुल इन द मरीन इकोसिस्टम बिकॉज ये न्यूट्रिय को रिसाइकल करने में मदद करते हैं जो भी वेस्ट मटीरियल है डेट्रीटस हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को भी ये ब्रेक डाउन करते हैं सो इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट बैंड इसीलिए क्योंकि इन्हें स्मगल किया जाता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अदर यूजेस दे आर ऑल्सो कल्टिवेटेड इन एक्वाकल्चर सिस्टम्स तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन इन्हें दी जाती है इन मरीन एनिमल्स की लेदरी स्किन होती है दे हैव इलांगेटेड बॉडी एंड दे आर फाउंड ऑन दी फ्लोर वर्ल्ड वाइड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सी क्यूकम्बर जो है ये एक इकाइनोडर्म है इकाइनोडर्म मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें फाइव पॉइंट की रेडियल सिमेट्री होती है और इसमें स्टारफिश, ब्रिटल स्टार्स सी अर्चिनस जैसे दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी आ जाते हैं सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इकाइनो डर्म्स सेंस सीक यू कंबर्स डेंजर्ड इन नेचर एंड दे आर स्मगल्ड दैट्स वाई दे नीड प्रोटेक्शन अगली टॉपिक है पैंगल रिसेंटली पनामा सिटी में जो कॉप नाइन्टीन टू दी साइट कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कंट्रीज को ये अर्ज किया गया कि वो अपनी जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है वहां से पेंगलिस् की रेफरेंसेस को या डेरिवेटिव्स को रिमूव कर दे टू सेव दी स्पीशीज ऑफिशियल फार्माकोपिया यानी ऐसी एक ऑफिशियल पब्लिकेशन जिसमें लिस्ट रहती है मेडिसिनल ड्रग्स की uh, और जिनकी इफेक्ट्स डायरेक्शंस फॉर यूज सब कुछ ही रहता है तो हमें पता है कुछ कंट्रीज है फॉर एग्जांपल चाइना जो पेंगलिन से लेके दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनकी मेडिसिनल यूज के लिए उन्हें अपनी फार्माकोपिया में रखती है और इसी के ऊपर ये इंडिकेशन थी कि पैंगलिन को बचाने के लिए ज़रूरत है कि ऐसी रेफरेंसेस को अपनी नेशनल जो फार्माकोपिया है वहाँ से रिमूव किया जाए पैंगलिन बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्राफिक एनिमल्स इन दी वर्ल्ड और ये साइट्स के अपेंडिक्स वन में है लेकिन ये अभी थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन। इसके आठ स्पीशीज होते हैं पैंगलिन के इन दी वर्ल्ड जिसमें से इंडियन पैंगलिन और चाइनीज पैंगलिन ये दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं सिर्फ 2021 में ही अराउंड 24 फोर टन ऑफ पैंगलिन को ट्रैफिक किया गया विच इज अ कंसर्न नाउ इसीलिए कॉप में पार्टी से अर्ज किया गया कि वो अपनी कंट्रीज में स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ले पैंगलिनस को बचाने के लिए कंट्रोल मेजर्स एस्टैब्लिश करे और स्टॉक्स को सिक्योर करें पैंगलिनस की कुछ इस तरीके से देखने में होते हैं पैंगलिन पैंगलिन जो है ये जब थ्रेटेंड फील करते हैं तब ये पूरी तरीके से रोल कर जाते हैं और इनकी ये जो कैरेटिन वाली स्केल्स हैं इसके लिए काफी यूनिक है और ऐसी एक मिथ है कि इन स्केल्स में मेडिसिनल वैल्यूज हैं और इसीलिए इन्हें हंट किया जाता है इन्हें पोच किया जाता है इन स्केल्स के लिए और इन स्किल्स को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी स्मगल किया जाता है पैंगलिन जो है ये एंड्स को खाती हैं, टर्माइट्स को खाती हैं और एस मैंशन अर्लियर वॉलवेजन जो है इसका डिफेंसिव बिहेवियर ही ये जो रोल अप अप कर जाती हैं इसे कहते हैं वोल्वेशन इन एनिमल रोल्स इट्स बॉडी इन टू अ बॉल प्रेजेंटिंग ओनली दार्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेग्यूमेंट जिसमें सिर्फ वो रोल करके सिर्फ लगता है कि वो एक शेल है इस तरीके से वो अपने आप को रोल कर लेती हैं इंडिया में एज मैंशन अर्लिया इंडियन पैंगलिन के साथ साथ चाइनीज पैंगलिन दोनों ही मिलते हैं हैबिटेट की बात करें तो हाई हिमालयस नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक्सेप्ट द एरिड रीजन जहां पे बहुत ज्यादा ड्राईनेस है वहां पे ये नहीं मिलते इसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका में भी पैंगलिन मिलते हैं इंडियन पैंगलिन चाइनीज पैंगलिन की अगर हम बात करें तो ये हिमालयन फुट हिल्स में पाए जाते हैं ईस्टर्न नेपाल भूटान नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और सदर्न चाइना में भी पाए जाते हैं हंटिंग एंड पोचिंग ही मेजर थ्रेट्स हैं पैंगलिन की क्योंकि आ, एज मैंशनियम मिथ है कि ये प्रोटीन सोर्स है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी इसे यूज किया जाता है और इसकी जो मीट है इसे भी खाई जाती है तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इ इसका ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी स्केल्स जो है इसे सेल किया जाता है पर्टिकुलरली इन चाइना एंड वियतनाम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आयु रेड लिस्ट में इंडियन पैंगलिन जो है ये एंडेंजर्ड है चाइनीज पेंगलिन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड बोथ दी स्पीशीज आर इन स्केड्यूल वन स्केड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडियन और चाइनीज के अलावा कुछ दूसरी स्पीशीज भी हैं पेंगलिन की फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कुछ स्पीशीज है अफ्रीकन वाइट बेलिड पैंगलिन फिर है जायंट ग्राउंड टेमिंग्स ग्राउंड और लॉन्ग टील्ड पैंगलिन ये सारे वलनरेबल है इनकी जो स्केल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैरेटिन एज मैं कैरेटिन जिससे हमारे जो हेयर है नेल्स हैं ये सब्सटेंस uh, से बने हैं कैरेटिन से ही और इसी सब्सटेंस से बना है इनके इनका स्केल और दो हजार सोलह में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया पैंगलिन का अगली टॉपिक है अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 2002 की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली मदुरई डिस्ट्रिक्ट में स्थित अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है ये तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है अरिटापट्टी विलेज में कई सारे बर्ड्स की स्पीशीज हैं इम्पोर्टेंट रैप्टर्स हैं लैगर फैल्कन शाहीन फैल्कन बोनेलिस ईगल इसके अलावा इंडियन पैंगलिन स्लेंडर लॉरिस पाइथंस हैं तो रिच वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना है और इसीलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है अनई टैंक जिसे पांडियन किंग्स ने सिक्सटींथ सेंचुरी में बनाया था वो भी इसी जगह पे स्थित है इसके अलावा कई सारी रॉक कट टेम्पल्स मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इंस्क्रिप्शंस यहां पे मिले हैं तो हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये रीजन इस एरिया से बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो यहाँ की कल्चरल और आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व रहे इसी को मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि इस जगह को अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा अगली टॉपिक है फ्रेंड शोरिंग अप्रोच यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है जैनेट येलिन वो रिसेंटली न्यू दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा है कि यूएस इंडिया के साथ फ्रेंड शोरिंग अप्रोच जो है परस्यू करेगा बिकॉज इंडिया जो है एक ट्रस्टेड अलाय है क्या होता है फ्रेंच शोरिंग समझते हैं प्रैक्टिस ऑफ रीलोकेटिंग सप्लाई चेन्स टू कंट्रीज वेद्रप्शन फ्राम पोलिटिकल के लो जहां पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी है डिस्क्रप्शन नहीं है किसी भी तरीके की या वॉर होने की चांसिस नहीं है जहां पे पॉलिटिकल एम्बियंस स्टेबल है वहां पर कंट्रीज जो है अपनी जो ट्रेड होती है उसकी बैक ऑफिस हो या मैनुफैक्चरिंग के लिए जो भी सेटअप्स uh, हो रखने की कोशिश करती हैं क्योंकि ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस भी स्टेबल रहेंगे कंपनीज जो हैं वो लॉस uh, में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बैगेजेस लाइक पोलिटिकल डिस्ट्रप्शन वॉर एट्सट्रा ये ऐसी ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जिनके वैल्यूज शेयर्ड होते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड शोरिंग कॉन्सेप्ट इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन बिजनेस बिकॉज अब्रप्ट चेंजेस की वजह से जो ग्लोबलाइज इकोनोमी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्ट हो जाता है सो टू प्रिवेंट दैट दिस कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज लेकिन इसकी कुछ कंसर्न्स भी हैं कि एक डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है फ्रेंड शोरिंग इसमें फिर एक एक फिर ग्रुप्स बन जाएंगे शॉर्ट टर्म जो सप्लाई सरप्राइजेस है वो हो सकते हैं दो कंट्रीज हैं उन्हीं में बस ट्रेड हो रहा है और फिर उनमें सप्लाई चेन में कोई दिक्कतें आ गई तो उसको बैकअप के लिए कोई दूसरी कंट्री के साथ ऑलरेडी बिल्ट आ, सप्लाई चेन नहीं है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं तो इसकी भी शॉर्टकमिंग्स हैं प्राइस हाइक्स हो सकती हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है लेकिन इसके फायदे भी हैं फॉर एग्जाम्पल जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच जब हमें पता है कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज अफेक्टेड हुई हैं और नेशनल गैस के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट थी व्हीट भी हम खुद इंपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी चीजें रशिया यूक्रेन से तो वॉर की वजह से ये ज़्यादा डिसरप्शन हो गया अगर हम सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते और इनफैक्ट ऐसी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते जिनकी पॉलिटिकल जो एम्बियंस है वो स्टेबल है कि और ज्यादा नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा होता तो ये एक पॉजिटिव साइड साइड भी है फ्रेंड शोरिंग अप्रोच का तो ये एक अंडरस्टैंडेबल uh, पॉलिसी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं लेकिन इसको स्पेसिफिक आइटम्स के लिए ही रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि हर एक आइटम के लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक सेक्टर uh, को हम ग्रुप में बांट दें बिकॉज इट विल लीड टू डी ग्लोबलाइजेशन अगली टॉपिक है होडी क्राफ्ट रिसेंटली चेन्नई में जो जोग्राफिकल जो जो इंडिकेशंस रजिस्ट्री है Uh, वहां पे एक एप्लीकेशन डाली गई है फ्रॉम दी ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स एप्लीकेशन में uh, ये निकोबरी होडी क्राफ्ट जो है इसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जी टैग का uh, दर्जा मांगा गया है होडी क्राफ्ट जो है ये प्रैक्टिस की जाती है बाय दी निकोबरी ट्राइब ये एक तरीके का बोट टाइप का है जो मेनली निकोबर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में इसे यूज़ किया जाता है टेक्निकल स्किल्स जो लगते हैं होडी को बनाने के लिए उसके लिए इंडिजिनस नॉलेज जो है उसी का यूज किया जाता है जो इनहेरिटेड है अपने फोर फादर्स से बाय द निकोबरीज ट्राइब्स होडी जो है इट इज बिल्ट यूजिंग ट्रीज और जो भी लोकली अवेलेबल ट्रीज है आइलैंड में उसी से इस होडी कैनो को बनाया जाता है एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है सो दिस इज द ट्रेडिशनल कैनो विच इज बिल्ड बाय दिकोबर इज पीपल होडी अगली टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइटल्ड आई एस वन नाइन ट्रिपल जीरो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस स्टैंडर्ड टाइटल को क्रिएट किया है एंड इट विल बी मैनेज बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बैकग्राउंड समझते हैं सभी कंट्रीज अभी ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है ई कॉमर्स परचेज ऑनलाइन की जाती है लेकिन हम जब दुकान में जाके डायरेक्टली चीजों को खरीदते हैं तब हम उसको देख सकते हैं अच्छे से उसको हम देख के जज कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है बट अनफॉर्चुनेटली ई कॉमर्स में जो भी ये साइट्स हैं अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं ऑनलाइन रिव्यूज के ऊपर रिव्यूज अगर बहुत अच्छे हैं तब हम उसे परचेज करने की सोचते हैं बट अनफॉर्चुनेटली कई सारी फेक रिव्यूज यहां पे दी जाती है ये इश्यू बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है एट प्रेजेंट कि लोग खरीदे एक प्रोडक्ट को इसके लिए रिव्यूज को भी पैसे दे के खरीदा जाता है और इसी तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो मिसगाइडेड होते हैं तो इसी को रोकने के लिए इंडिया ने इस स्टैंडर्ड को बनाया है इस स्टैंडर्ड के अंदर जो फ्रेमवर्क है इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट हो या Amazon, इन सबको रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप करना पड़ेगा जो रिव्यूज को देखे और उन्हें फिल्टर आउट करे कि बायसेस क्या है फ्रॉडुलेंट जो भी रिव्यूज हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट करे क्योंकि एज सच Amazon या फ्लिपकार्ट तो ये रिव्यूज नहीं खरीदवा रहे हैं वो बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रांजैक्शन होती है गुड्स की लेकिन जो सेलर्स हैं यहाँ पे वो ही फेक रिव्यूज जो है यहाँ पे डालते हैं अब इसे रोकने के लिए अलग से अगर कोई मैकेनिज्म ना हो तो इसके प्रेवलेंस और भी बढ़ेगी कंज्यूमर और भी अफेक्टेड होगा इसी को रोकने के लिए अगर रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स ये साइट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुद अपॉइंट करे सेटअप करे और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इस ऑनलाइन साइट के ऊपर भी थोड़ी बहुत रहे तो चीजें शायद थोड़ी बदल सकती हैं रिव्यूज में जो भी पब्लिशिंग डेट है स्टार रेटिंग है उसमें कोई फ्रॉड्यूलेंस तो नहीं है ये देखा जाना चाहिए कंज्यूमर्स को अपने रिव्यूज एडिट करने नहीं दिया जाएगा uh, कोई भी बैड uh, लैंग्वेज का यूज नहीं करने दिया जाएगा ऐसा इंश्योर करना होगा प्लेटफॉर्म्स को और अगर फ्रॉड्यूलेंट रिव्यू कोई दे रहा है तो उस पर्टिकुलर जो यूजर है उसे रिस्ट्रिक्ट करना होगा उस प्लेटफॉर्म को फ्रॉम पब्लिशिंग सच रिव्यूज इन दी फ्यूचर जो भी रिव्यू दे रहे हैं रिव्यूअर को अपनी आइडेंटिटी जो है उसे प्लेटफार्म को देनी होगी वो वेरीफाई होगी और उसके बाद ही वो रिव्यू दे पाएंगे वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस फोन नंबर आईपी एड्रेस कैप्चा सिस्टम इन सब चीजों का यूज करके किया जाएगा एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नई ये जो गाइडलाइंस है हैं इसमें थर्ड पार्टी जो है जो रिव्यूज करते हैं वेबसाइट्स पे उन पे भी ये लागू होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कंज्यूमर रिव्यूज पब्लिश होते हैं हर जगह पे ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगी लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है अगर जब मैंडेटरी हो जाती है और इन स्टैंडर्ड्स का वायलेशन अगर होता है बाय यानी एंटिटी

बट गवर्नमेंट ने इसको अभी तक मैंडेटरी नहीं बनाया है फॉर प्लेटफॉर्म टू फॉलो दी गाइडलाइंस एट दी मोमेंट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस स्टैंडर्ड का इंडिया ने सबसे पहले ऐसा एक इनिशिएटिव ले लिया है तो इसके बाद इसके ऊपर और भी काम हो सकता है और अगर ये मैंडेटरी हो जाता है तो काफी जो इश्यू है फेक रिव्यूज का इसे कर्प करने में यह मदद करेगा इट विल हेल्प द कंज्यूमर्स इन परचेजिंग गुड्स ऑनलाइन एंड इट विल बूस्ट देअर कॉन्फिडेंस ऑल्सो ऑनलाइन परचेज uh, करते समय और उन्हें उनके जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे सेफ गार्डेड रहेंगे फ्रॉम फेक एंड डिसेप्टिव रिव्यूज इन कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स नंबर वन सी क्यू इन इंडिया ट्रीटेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड अंडर द स्केड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू नंबर टू Aritapati Biodiversity Heritage Site is located in Karnataka. Next, the National Dairy Development Board was established in 1980 to assist the Operation Flood program, which was to be executed in stages in establishing the unearthed pattern of dairy cooperatives throughout the country. Next, Friendshoring is a deglobalization process that could result in more short-term supply surprises, price hikes and less long term growth. Next, hodi craft is practiced by the muria tribes of chhattisgarh with this we come to an end of this session thank you so much